देहरादून में शुरू हुई बारिश रुक रुक कर दिन भर जारी रही, जबकि जिला प्रशासन ने मौसम विभाग के बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए एहतियातन सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। चमोली जिले में भी स्कूल बंद रखे गए। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को लिखित के साथ ही मौखिक में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जल भराव और मार्ग बंद होने के समेत अन्य समस्याओं से निपटने के लिए विशेष इंतजाम करने के लिए भी कहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा मार्ग हमारे सुचारू चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ। कल मेरी सभी से बात हुई है, डिटेल में क्या क्या कार्रवाई की जानी है इसके बारे में बात हुई है। लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। जिलाधिकारी तैयार हैं सभी उस कार्रवाई के लिए। सो अपना जहाँ जहाँ रास्ते ब्लॉक होने की संभावना है वहाँ पर ऑलरेडी जेसीबी मशीनें और गैंग वगैरह तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। जहाँ जल भराव होने की संभावना है वहाँ ऑलरेडी हमने उपाय कर लिए हैं। NDRF चाहे भी तैनाती हो, चाहे पुलिस बल की तैनाती हो या राफ्ट नाव जो भी आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था कर ली गई है। हमारा प्रयास होगा कि जब तीव्र बरसात होती है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है हम त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कर पाए।